पितृपक्ष आज से शुरू हो गया है। पुरोहित मनोज त्रिपाठी ने कहा कि पितृपक्ष की 15 दिन की अवधि से पूर्वजों का निर्मित पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की पूजा करने से जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में अगर कोई जानवर पक्षी आपके घर आए तो उसे भोजन जरूर कराना चाहिए। नारायणी शिला पर पूजा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। देखिए, ये जो महाले पक्ष है जिसे हम श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, इसमें सबसे पहली हमारे पितृ पधारे हैं हमारी श्रद्धा स्वीकार करने के लिए। तो श्रद्धा से पितृ निमित्तक किया गया कार्य श्राद्ध है। इससे ही स्पष्ट वर्णन है कि अपने श्रद्धा पूर्वक करें पितरों के लिए कार्य। आपके पास अगर सामर्थ्यवान है तो सामर्थ्यानुसार बड़े विधि विधान से ब्राह्मण को घर बुला के, नाती को घर बुला के, बहन के लड़के को घर बुला के उसको भोजन कराएं, वस्त्र आदि का दान करें। और आपसे सामर्थ्यवान थोड़े से कम है तो तीर्थ में जाके, जैसे हरिद्वार नारायणी शिला मंदिर है, यहाँ पर आकर तर्पण पिंड दान करें, ब्राह्मण को भोजन आदि कराएं। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो सूर्य नारायण को जल दें और अपने दोनों हाथ उठाकर कहें, हे पितरो, मेरे पास आपको देने के लिए मात्र मेरा भाव है। इसी को स्वीकार करके श्राद्ध संपन्न करें। पितरों के आशीर्वाद से एक वर्ष के अंदर आप इतने संपन्न हो जाएंगे के विधि विधान धार्मिक अनुष्ठान पूरा कर पाएंगे, पितरों के श्राद्ध को संपन्न कर पाएंगे।